तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा आप सारी ऑडियंस का, आप सारे फैंस का, आप सारे फॉलोअर्स का जो कि मेरे नो हिप हॉप के सारे एपिसोड को इतने ध्यान से देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। लास्ट दो एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से अगर आप एक अंडरग्राउंड रैपर है, एक अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट है, आप अपना प्रोफेशनल रैप करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि वो क्या गलतियां हैं, वो क्या मिस्टेक्स हैं जो बड़े बड़े रैपर्स कर जाते हैं या फिर जो आने वाले रैपर्स हैं ये कर लेते हैं, जिनकी वजह से इनके रैप करियर फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं इनके रैप करियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो नो हिप हॉप के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में, उन सारी मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपने अवॉइड करनी है, जो कि आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी है, जिससे कि आपका रैप करियर एस्टेब्लिश हो जाए, अच्छे से प्रोग्रेस करे। तो इस तरह के बहुत सारे हिप हॉप और रैप से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आता हूँ हर हफ्ते सुल्तान नेशन चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, ताकि ये सारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन सारे फैक्टर्स की, उन सारी मिस्टेक्स की जो कि आपको अवॉइड करनी है अगर आपको एक सक्सेसफुल रैपर बनना है, अगर आपको अपना एक प्रोफेशनल रैप करियर एस्टेब्लिश करना है। मैं हर रोज़ काफ़ी सारे रैपर से मिलता हूँ क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल वैसा है, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलता हूँ और सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो है कंप्लेंट्स। ये सारे रैपर जितने लोगों से मैं मिलता हूँ कंप्लेंट्स बहुत करते हैं। आपको कंप्लेंट नहीं करनी है दोस्त, आपको काम करना है। कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास म्यूज़िक वीडियो का बजट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास प्रोडक्शन टीम अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छा मैनेजर नहीं है, मेरे पास अच्छा लेबल नहीं है। तो ये लोग हमेशा सिर्फ कंप्लेंट ही करते रहेंगे बट काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो क्या करना है कि आपको एक कंप्लेंट वाले नेगेटिव जोन से निकल के एक पॉजिटिव जोन में जाना है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और उसके बाद जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आपका प्रोडक्ट खुद अच्छा बनेगा, आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट और अपकमिंग आर्टिस्ट और एस्टेब्लिश आर्टिस्ट मेरे को ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है नया वीडियो करने का या फिर नया गाना निकालने का, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इन्हीं आर्टिस्ट को मैंने देखा है मिर्ज़ापुर देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए और उसके बाद सेक्रेट गेम्स देखते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए, साथ में पबजी खेलते हुए, इन सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें करने का टाइम है बट अपने रैप करियर के ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल रैपर बनना चाहते हैं तो दोस्त बहुत कंपटीशन है, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी और आपको डेडिकेटेडली टाइम देना पड़ेगा अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, आपको अपने रैप इंप्रूव करने के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत है, मैं मतलब स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं जॉब करता हूँ कि मैं पैसे बचा सकूँ। तो दोस्त ये भी एक एक्सक्यूज़ है। आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है, आपको जो भी सैलरी मिलती है, आप उसमें से एक फिक्स्ड प्रपोर्शन पैसों का आप सेव कर सकते हैं अपने म्यूज़िक वीडियो के लिए या फिर अपनी डबिंग के लिए या फिर अपना स्टूडियो सेटअप करने के लिए। मैंने खुद अपने लाइफ में यही किया है, जब मेरी सैलरी बहुत कम होती थी तो मैं उसमें से भी 2-3 हज़ार रुपये बचा लेता था अपना स्टूडियो सेटअप करने के लिए। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फोर्थ चीज़ जो है वो है आपको अपने कोरस पे ध्यान देना है। आप रैपर हो और होता क्या है कि आप बार बार अपने रैप वर्सेस को पॉलिश करते रहते हो, आप उसको इम्प्रोवाइज करते रहते हो बट कोरस को कभी भी आप अपना डेडिकेटेडली ध्यान नहीं देते। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ आपका गाना इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि आप रैपर हो, वो बाकी गाने भी सुनना चाहते हैं और बाकी गाने भी सुनते हैं, तो वहाँ कोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गाने की लाइफ है, जो गाने की रीच है, वो कहीं ना कहीं कोरस से ही डेवलप होती है। तो आपको सिर्फ रैप के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने कोरस के ऊपर भी फोकस करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जो रैपर बहुत बड़ी गलती करते हैं वो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा एल्कोहल करना, वीड करना। देखो ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती है, वहाँ पर लोगों ने एग्जांपल सेट किया है कि किस तरह से चीज़ें करके भी वो सक्सेसफुल हुए। बट इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप इन चीज़ों में घुसोगे ज़्यादा तो आप कहीं ना कहीं अपना फोकस, जो आपका मेन करियर पे फोकस है, वो कहीं ना कहीं आप डेविएट हो जाओगे उससे। हमने पीछे रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जांपल देखी भी है जहाँ पर कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो अपने रैप करियर को काफ़ी पीछे लेकर गए सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो आपको, मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप नशे ना कीजिए, आपको जो भी चीज़ करनी है दैट्स योर लाइफ, दैट्स योर फ्रीडम बेसिकली, बट आपको ये चीज़ें सारी एक कंट्रोल में करनी है। आपको फोकस जो है वो हमेशा अपने रैप गेम पर रखना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और मैंने नई चीज़ क्या नोटिस की है कि जैसे ही रैपर्स के गाने आते हैं, मतलब अंडरग्राउंड रैपर्स के गाने आते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पैम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 100 लोगों को फेसबुक पर डाल देंगे वही लिंक, 50-100 लोगों को इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, 50-100 लोगों को वो व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपका गाना अच्छा है तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आपका गाना अच्छा है तो आपको स्पैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका प्रोफाइल बहुत नेगेटिव बना देती है, क्योंकि हो सकता है जो आगे बंदा बैठा है जिसको आप ये गाने भेज रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो और आपका गाना अच्छा नहीं है, या फिर आप उसको कहीं ना किसी वे में आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ट्रस्ट में अगर आपका गाना अच्छा है तो वो खुद वायरल होगा,
बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनके गाने पिछले एक दो साल में काफ़ी वायरल हुए, वो इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने स्पैम किया, वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उस गाने को, उस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से बनाया। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने रैप करियर में, जिस प्रोफेशनल करियर की तरफ आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर होना है। और आई एक्सपेक्ट कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी। इसी तरह के बहुत सारे हिप हॉप और रैप से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते हैं हर हफ्ते सुल्तान एशियन चैनल पर, तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नो हिप हॉप के नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक।